वेलकम अगेन। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी का 20 क्वेश्चंस जो 150/14 के एग्ज़ाम में आया था। पोस्ट कोड 150/14 है और उसके 20 क्वेश्चन हिंदी के हम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे शुक्ल का अर्थ पूछा है। शुक्ल का अर्थ होता है बिल्कुल चांदी, सफ़ेद, चमकीला जैसा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सफ़ेद, डी। नेक्स्ट है, इलायती का तत्सम क्या होगा? तो इलायती का जो तत्सम है वो होगा एला। नेक्स्ट है, परस्पर शब्द जो वो आपका तत्सम है लेकिन उसका तद्भव शब्द पूछा है। तद्भव शब्द हो जाएगा पत्थर। नेक्स्ट है, हिंदी में प्रयुक्त जो त्रुप शब्द है वो किस भाषा का है? तो अंग्रेजी, डच, रूसी या फ्रेंच। जो डच है वो विदेशज भाषा है और ये सारे विदेशज के, अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच ये सारे विदेशज हैं, लेकिन जो त्रुप है वो डच भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाला। तो किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाला हो गया कृतघ्न। सूक्ष्म शब्द का समानार्थक या विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो सूक्ष्म का होता है स्थूल। नेक्स्ट हो जाएगा, सुस्ती का विपरीतार्थक सुस्त और चुस्त। तो आपका बी आंसर राइट है। नेक्स्ट है, घर के लिए यह पर्यायवाची नहीं है। जो घर के पर्यायवाची है उनके अलावा जो नहीं है, ये ग्रह ये आपका पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों एक होता है ग्रह, एक होता है घरी, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो कम बोलता हो वो होता है अल्पभाषी। नेक्स्ट है, चूहा, यहाँ पे जो ध्वन्यात्मक होते हैं वो पूछा गया है कि चूहा की जो ध्वनि है वो क्या, तो वो होता है की किया था। नेक्स्ट है, तारे डगमगाते हैं, खड़खड़ाते हैं, पटपटाते हैं या जगमगाते हैं। जो दो तारे हो जाएंगे वो जगमगाते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है, अर्धरात्रि के लिए सही शब्द क्या होगा? अर्धरात्रि के लिए सही शब्द होगा निशीद। उदाहरण के लिए सही शब्द है, तो ये जो यहाँ पे उदाहरण के लिए सही शब्द है वो होगा दृष्टांत, सी आपका राइट आंसर। यहाँ पे भी ध्वन्यात्मक पूछा गया है कि ऊँटों का, तो ऊँटों का झुंड भी नहीं होता, छत्ता भी नहीं होता और जस्ता भी नहीं होता, तो ऊँटों का होता है काफिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, व्यापारियों की मंडली होती है, पंक्ति होती है, श्रेणी या सेना। तो व्यापारियों की मंडली होती है। नेक्स्ट है, बेमेल शब्द को निकाल दें तो, जैसे वस्न है ये कपड़े से रिलेटेड है, वस्त्र कपड़े से रिलेटेड है, जो दुकल है वो भी कपड़े से रिलेटेड है, लेकिन सुई यहाँ पे अलग है, तो इसमें कोई मेल नहीं खाता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कबूतर क्या करते हैं? टटराते हैं, गरजते हैं या चिंगाड़ते हैं या गुटरगू करते हैं। जो कबूतर होते हैं वो गुटरगू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।